नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले जय फ्यूचर मेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर ने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी में कौन कौन सी न्यूज आई है फ्यूचर मेकर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अभी तक स्ट्राइक आ चुके हैं, तो मैं आपसे आशा करूँगा कि एक दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सभी न्यूज़ उसी चैनल के थ्रू आपके पास आएगी। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, तो वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ वो लगभग जो न्यूज़पेपर में आती है वही न्यूज़ देता हूँ, ना कि मैं खुद छाप के वो आपको पोस्ट करता हूँ। और अगर किसी भाई को न्यूज़ अच्छी लगे तो वो लाइक कीजिए, और अच्छी ना लगे तो गलत कॉमेंट कृपा ना करें। और दूसरी बात यह दोस्तों, जो वहाँ कोर्ट में केस चल रहा था उसकी तारीख है आगे की 24 तारीख सोमवार को है, सोमवार को फाइनल पता लग जाएगा कि कंपनी को क्लीन चिट मिल जाए तो कंपनी फिर से अपना काम शुरू कर देगी। हम ये आशा करते हैं कि कंपनी को क्लीन चिट मिले और हम भी कंपनी से जुड़े हुए और अपना काम फिर से शुरू करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या किसने क्या क्या दिया कंपनी के खिलाफ या कंपनी के साथ। कंपनी के खिलाफ ही लगभग सभी रिपोर्ट दे रहे हैं न्यूज़पेपर वाले, कंपनी के साथ तो कोई भी नहीं दे रहा। तो अब बात करते हैं जो न्यूज़पेपर में आए उसके बारे में। दोस्तों एक समाचार तो ये आया है कि 8,000 करोड़ रुपए के घोटाले की आरोपी फ्यूचर मेकर के उत्पाद भी प्रमाणित नहीं होगी जांच। जो फ्यूचर मेकर कंपनी जो भी प्रोडक्ट दे रही है उसके उत्पाद है वो कोई प्रमाणित नहीं है और उनकी भी अब जांच की जाएगी। तो दोस्तों ये खतरे की घंटी है, क्योंकि कंपनी के खिलाफ जब कोई प्रशासन होता तो उसके पीछे लगा रहता है। अब इस कंपनी के पीछे लग चुके हैं तो अब इनके प्रोडक्ट भी है उनकी भी जांच होगी, प्रमाणित है या नहीं है, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है उसके बारे में जांच की जाएगी। अब आगे पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। कंपनी के CMD व नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। देश भर में करीब 8,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर कंपनी के CMD राधेश्याम व नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सुंदर को तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस सिटी पुलिस ने 5 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। साइबराबाद सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस BC सजनागर ने भास्कर को बताया कि कंपनी के निवेशक ने 7500 रुपये लेकर उन्हें सूट, कपड़ा, एग्रीकल्चर, हेल्थ व फूड सप्लीमेंट सहित अन्य प्रोडक्ट देती थी। कंपनी के अधिकारी प्रोडक्ट्स से जहर मुक्ति खेती और शरीर को फिट रखने सहित अन्य बड़े बड़े दावे किया करते थे। प्रोडक्ट्स के सैंपल फोरेंसिक लैब में जाँच के लिए भिजवाए जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ मिस्ड ब्रांडेड हैं बल्कि उनके ये रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट तक नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने पहले बोला वही बात बोले कि उनको वो लाइसेंस है या नहीं प्रोडक्ट बनाने का, उसकी भी चेकिंग होगी। और इसके बाद है प्रोडक्शन वारंट पर हिसार लेने तेलंगाना गई पुलिस। जो हिसार से सिटी थाने में फ्यूचर मेकर के खिलाफ 4,000 करोड़ की ठगी का केस दर्ज हुआ है। कंपनी के पहले डिस्ट्रीब्यूटर फतेहाबाद के गाँव किरडान निवासी सतबीर ने केस दर्ज कराया, जबकि निवेशकों ने भी केस दर्ज करा रहे हैं। हिसार पुलिस ने कंपनी के CMD राधेश्याम व नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सुंदर को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करने के लिए तेलंगाना रवाना हो गई है। उन्हें हिसार लाकर पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों हिसार पुलिस है वो तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है और प्रोडक्शन वारंट में लेने के लिए वहाँ जा रही है। अब करते हैं बात दोस्तों इसके जो पेज नंबर 13 है उस पर जो सेंस रहेगा उसके बारे में। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आने का इंतजार है, जिसमें प्रमोटर व निवेशकों के साथ लेन देन का पता चलेगा। उम्मीद है कि 1-2 दिन में यह रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद लाखों करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने वाले 10% अग्रणी निवेशक व प्रमोटर पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं MD बंसीलाल की तलाश जारी है। वहीं ट्रेडमार्क मामले में करीब 250 पीड़ित सामने आए जिन्होंने सिविल लाइन थाने में बयान दर्ज कराए। अब कंपनी CMD डायरेक्टर व प्रमोटर फरार है। प्रमोटर कम प्लानर नवीन शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। उससे 30 लाख रुपये बरामद करके 3 बैंक खातों को सीज किया गया। यह कंपनी करीब 2400 लोगों के 100 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हो गई।
तो दोस्तों ये है भास्कर की रिपोर्ट, जो भास्कर ने आज फ्यूचर मेकर कंपनी और के खिलाफ जो भी रिपोर्ट पेश की है, जो भी रिपोर्ट अपने अखबार में छापी थी उसके बारे में। अब दोस्तों दूसरे अखबार की बात करते हैं, दूसरे अखबार आज क्या बोल रहे हैं। दोस्तों दूसरी न्यूज है जागरण की। जागरण में क्या बताया गया, इन कंपनियों के खिलाफ हो चुका है मामला दर्ज। जागरण ने सिर्फ यही रिपोर्ट दिया कि किस किस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो दोस्तों इसमें बताया गया, शहर पुलिस अभी तक VDST कंपनी के गांव केडान निवासी राधेश्याम, बनगांव निवासी सतवीर व सिंथला निवासी विनोद, बशीर निवासी विनोद, हिसार की फ्यूचर मेकर कंपनी CMD सीसवाल निवासी राधेश्याम और MDTB निवासी बंसीलाल, मैनेजर नाडोड़ी निवासी अमित कुमार तथा ट्रेडमार्क मार्ट कंपनी के आनंदपाल, डायरेक्टर मनदीप, रोहतक जगवीर, फुलिया निवासी नरेश मलिक, बठिंडा निवासी लवनेश जिंदल, हिसार निवासी विनोद कुमार और हिसार निवासी विजेंदर, बीर निवासी देवेंद्र, भीलवाड़ा निवासी गौरव तथा इसके अलावा मिट कंपनी के डायरेक्टर यमुना विहार निवासी दिल्ली निवासी मरियम, CEO अरशद और तथा केडान निवासी सतवीर के खिलाफ धोखाधड़ी एवं 4, 5, 6 प्राइज चिट एवं मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। इन सभी कंपनियों के खिलाफ SIT जांच कर रही है। तो दोस्तों ये है आज जागरण की रिपोर्ट। जागरण ने सिर्फ इतनी ही न्यूज़ दी है आज अपने अखबार में फ्यूचर मेकर के लिए। दोस्तों ये थी आज के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। अब बात करते हैं जो 24 तारीख को जो आएगा अपना कोर्ट केस की सुनवाई है उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 24 तारीख को सोमवार को ये फाइनल सुनवाई है, उसके बाद लगभग फाइनल हो जाएगा कि कंपनी को क्लीन चिट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम आशा करते हैं कि कंपनी को क्लीन चिट मिले और कंपनी फिर से जोरों से उसी तरह अपना काम करे जैसे कि पहले कर रही थी। और दूसरी बात यह है जमानत की बात करें, जमानत तो दोस्तों फाइनल है लगभग कि उनको राधेश्याम जी को जमानत अपना कोर्ट तेलंगाना कोर्ट जरूर दे देगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक चैनल हमारे दूसरा बनाया है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहे हैं। वहाँ भी हम फ्यूचर मेकर की टोटल न्यूज़ है वहाँ सेंड करते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में एक बात बोलूँगा, जय फ्यूचर मेकर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँच जाए और ये पता लगे किस न्यूज़पेपर ने आज कंपनी के खिलाफ या कंपनी के साथ कौन कौन सी न्यूज़ दी थी। जय फ्यूचर मेकर दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।